हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो फाइनली डीपीएड कोर्स के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और इनका जो पब्लिक नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पब्लिक नोटिस और मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं पब्लिक नोट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डीपीएड कोर्स के दाखिलों के संबंध में जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और जो सर्टिफिकेट की जो पड़ताल की जाएगी तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। तो डेट 10 नवंबर और 11 नवंबर को इनके एफिशिएंसी टेस्ट और सर्टिफिकेट की जो पड़ताल है वो की जाएगी। उनका स्थान बताया गया है और उनका समय बताया गया है। तो आप अपनी मेरिट के अनुसार 10 नवंबर और 11 नवंबर को जाएंगे। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनकी मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग संबंधी जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पर 15 नवंबर 2022 को अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो भी आएंगे कैंडिडेट आएंगे वो जो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे, जो भी उनके क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक एक सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेके जाएंगे। और उसके बाद अपना एक आइडेंटिटी कार्ड पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो होगी। उसके बाद बिना इन दस्तावेज़ के बिना अगर टेस्ट में कोई उम्मीदवार आते हैं तो उनका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और जो भी उम्मीदवार होंगे वो टेस्ट के लिए अपने खुद के खर्चे पर आएंगे, उनको TA नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। तो मेरिट लिस्ट आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो मिल जाएगी डीपीएड की। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना जो नेम है वो सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस मेरिट में आपका नंबर आया है। तो इस तरह आप अपना जो पब्लिक नोट्स है वो डाउनलोड करके सारी जानकारी ले सकते हैं और मेरिट लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी अपडेट्स जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिससे तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.